हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं झुमका डैम एक्सप्लोर करने। कुछ नया आइलैंड बना हुआ है वहाँ। मेरे साथ है संदीप हाय और मुकेश। तो हम लोग जाएंगे और देखेंगे, थोड़ा बोटिंग वोटिंग भी सोच रहे हैं करेंगे, लेकिन देखते हैं पहले वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। तो मिलते हैं झुमका डैम पर। टोपी यहाँ पे गिर चुकी थी, हम लोग इसको बिनने के लिए वो वहाँ से वापस आए हैं। कर रहे हैं, अभी जाएंगे शोरूम, उसके बाद शोरूम का काम खत्म करते हैं, उसके बाद जाएंगे झुमका। तो ब्लॉग में बने रहिए आगे। झुमका डैम पहुँच गए हैं, तो हम लोग अभी जा रहे हैं वेस्ट बियर। वहाँ पे दोस्त लोग हैं, तो समझाज है, उससे मिलेंगे। तो ये है रास्ता जिस हम लोग जा रहे हैं। जल्दी चलाएंगे तो जल्दी पहुंच जाते। फाइनली मैं झुमका पहुंच गया हूँ। हम लोग जा रहे हैं, क्या बोलते हैं हाँ, तो आगे कंटिन्यू ये करेंगे क्योंकि ये ज्यादा फेंकते हैं। अच्छा, तो फाइनली दोस्तों हम लोग बहुत लंबे वक्त बाद मिल सकते हैं, मिले थे। तो हम लोग सोचे कि हम लोग अब बैकुंठपुर की पुरानी जगह पे आए, तो आइए दिखाता हूँ हमारे बैकुंठपुर का छोटा सा फाउंटेन। तो ये रहा। अच्छा सॉरी, आगे है, थोड़ा सा आगे है, तो हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। क्या देखने जा रहे हैं, पानी नहीं है, सूखा है। दोस्तों मैं मजाक कर रहा था, हम लोग कहीं जाएंगे और कहीं, हम लोग जाएंगे झुमका का पानी देखने। नहीं, वो आइलैंड देखने जाएंगे। ऐसा फोटो शूट चला है आज, भी अच्छा लगा। देख भाई, क्यों मार रहे, तेरा फोन है कि कहाँ पे, कब कैमरा वाला फीलिंग आ रहा है मेरे को। मैं बोलता एक बार अच्छे से और फोटो खींचते हैं, वही वाला। हाँ सेम वाला कुछ आ रहा है यहाँ पर। Ha ha ha!
क्या था अबे इसका रिएक्शन। आखिर एक दोस्त ने दोस्त को दिया क्यों धोखा। कैमरा एक्शन। आखिर क्यों दिया दोस्त को, एक दोस्त ने एक दूसरे दोस्त को धक्का, सॉरी धोखा। बात दरअसल कुछ दिन पुराने की है। दोनों दोस्त जिनका प्लान आए थे कि वो जाएंगे आइसलैंड, एक दोस्त ने प्लान कैंसिल कर दिया। दूसरे दोस्त को पता नहीं था कि झुमका जाने का किराया 100 रुपये है। 100 रुपये किराया था आइसलैंड का। दोस्त ने अपने दोस्त को बोला कि तू भाई मुझे अपना 100 रुपये दे दे, मैं तुझे रिटर्न कर दूंगा। दोस्त ने इसी बीच में दोस्तों के बीच हो गई बहस। तो दोस्तों के बीच हो गई बहस और आज एक दोस्त हॉस्पिटल में है और दूसरा आइसलैंड में मौज कर रहा है। सावधान रहे, सतर्क रहे और झुमका जाने के सपने छोड़ बने रहे हमारे साथ ऐसी ही खूफनाक कहानियों के साथ। संवाददाता सभी राज और कैमरामैन देव। तो गाइस कुछ अच्छा तो हम लोग से हो नहीं पा रहा है, तो हम लोग उल्टा सीधा काम कर रहे हैं यहाँ पे। बस यहाँ एक ही चीज अच्छी हो रही है, हवा अच्छा चल रहा है। और भाई कैसे यार इधर आज आ जाता हूँ। ये हंसता हुआ चेहरा सजियों भी कैसे देखेंगे। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप ऑक्सीजन पार्क में? अच्छा लग रहा है, सांस लेने में आसानी हो रही है, आराम से आराम से। बता दें जूता ऊपर चढ़वा दे रहा था सभी राज। प्लान चेंज होने के बाद हम लोग यहाँ आ गए हैं। अब बताएंगे सभी राज अपने शब्दों में। पकड़िए फ़ोन पकड़िए। अच्छा चलिए ठीक है, ये वाला शब्दों में बताएंगे। चलिए बताइए ऑक्सीजन पार्क के बारे में। तो सभी राज तिवारी के साथ कट 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 जल्दी कर भाई, कल सुबह पनवेल निकलना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो दोस्त के बर्थडे का बहाना देते हुए वो हमें झुमका पार्क ले आया, यहाँ सुनसान जगह पर जहाँ पर कोई भी नहीं था। उसका उसके हिसाब से उसका यह प्लानिंग था कि यहाँ उसका खर्चा बचेगा, पर हमारी रणनीति के मुताबिक हमने उसके दुकान पर रोका और हमने वहाँ पर उसके सारे बहुत सारे यही सब तो आएगा। बोले क्या आपका दोस्त इसमें नमक है? नहीं है तो उसके घर से लिट जाए। मेरे घर में बहुत सारा है। कर देता है। स्वागत है आपका नए एपिसोड में। आज हम अपने दोस्त के बर्थडे पे आए हुए थे। ये बड़वा इधर
आज हम इसके जन्मदिन पे आए थे, आज इन्होंने सावधान रहे सदर। वापस जा रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कहीं अगर किसी कोई प्लान बनता है तो घूमने का प्लान बनता है तो ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।